आप सबके हमेशा से डिमांड रहती है कि भाई कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो 100 रुपए से कम का हो, जिसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बन सके, जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, सेक्टर ग्रोइंग हो और तुरंत पैसा बन सके, ऐसा कोई स्टॉक बता दो। तो आज हम ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसकी प्राइस 100 रुपए से नहीं लेकिन 50 रुपए से भी कम है, एक दिन में 10% से स्टॉक जो है बढ़ चुका है। एनर्जी सेक्टर का ये स्टॉक है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो है एनर्जी सेक्टर को लेकर के कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इससे रिलेटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इससे रिलेटेड स्टॉक में आप पैसे लगा, बहुत ही ऐसे रिजल्ट आपको ऑलरेडी मिल सकते हैं। कंपनी के स्टॉक में इतनी तेजी का कारण है कि इन्होंने ईवी के लिए एक नया चार्जर बनाया है जो कि काफी कारगर है। कंपनी जल्दी इसे लॉन्च करने जा रही है। कंपनी जो है इलेक्ट्रिक साइकिल और दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन के लिए हाईटेक चार्जर जो बनाने का काम भी करती है। कंपनी ने कहा कि चार्जर को जल्दी लॉन्च करेंगे और मार्च में इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किया जिसमें 2.71 करोड़ रुपए का मुनाफा बताया, जो कि शुद्ध मुनाफा है। अगर पहले की बात हम देखें तो 96 लाख का ये लॉस में थी, अभी अभी ये कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है। तिमाही नतीजों के अनुसार कंपनी की बिक्री बढ़ करके 7.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। इन खबरों के चलते स्टॉक का प्राइस जो है वो 10% से पिछले 9 दिनों में बढ़ चुका है। पूरे एक महीने में स्टॉक जो है 18% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। अगर एक साल पहले आप इसको देखोगे तो स्टॉक की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए थी, जो कि अभी 45-46 रुपए के आसपास चल रही है। 5 साल में स्टॉक जो है 5,700% का रिटर्न दे चुका है। और बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 942 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ईवी सेक्टर की कंपनी है, तो जिस तरह से सरकार यहां पे पैसे लगा रही है और ईवी सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा पैसा शॉर्ट टर्म में बना करके स्टॉक आपको दे सकता है। स्टॉक का नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते, मुझे लगता है 1 साल में 100% से ज्यादा तक ये स्टॉक आपके कैपिटल को ग्रो कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। मेरा काम है एनालिसिस करके ऐसी चीजें आप तक लेके आना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, आप जब लाइक करते हो तो और मोटिवेशन मिलती है मुझे ऐसे ही स्टॉक आप सबके लिए लेकर के आने की। तो स्टॉक और ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट स्टॉक और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके भाई को सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। मात्र।